स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों की ओर। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मेडिकल अस्पताल की अचानक बिजली गुल हो गई, जहां बिजली गुल होने के कई हजारों की संख्या में भर्ती मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंचे बिजली कर्मियों ने सुधार कार्य किया, जिसके बिजली आई तब जाकर भर्ती मरीजों ने राहत की सांस ली। दरअसल दरमियान रात करीब 12:30 बजे मेडिकल अस्पताल की बिजली चली गई, जिसके चलते मेडिकल अस्पताल में अंधेरा छा गया। भर्ती मरीजों के उपकरण बंद हो गए, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में यह कोई पहली घटना सामने नहीं है। मेडिकल अस्पताल में लापरवाही सामने आई हो, इससे पहले भी इस तरह की घटना देखने को मिल चुकी है, लेकिन मेडिकल प्रबंधन इन सब चीज़ों से अनजान बना हुआ है। लेकिन इस लापरवाही के चलते आम नागरिक और मेडिकल अस्पताल में भर्ती मरीज परेशान होते हैं। फिलहाल सूचना पर पहुंचे एमपीवी के कर्मचारियों ने बिजली का सुधार कार्य कर बिजली को दोबारा चालू किया, जिसके मेडिकल अस्पताल में भर्ती मरीजों ने राहत की सांस ली। भाई साहब, एक मेडिकल अस्पताल में लाइट होने गोल होने की सामने बात आई है क्या? हमारे पास एक सूचना आई थी, हम लोग आए हुए थे एक एक्सीडेंटल मामले में, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था कि बाईपास में, तो उसमें हम आए थे। तो तब जब यहाँ पे पहुँचे थे तो उसमें क्या है, लाइट गोल यहाँ पे थी मेडिकल में उस टाइम, और लगभग आधे घंटे तक लाइट गोल का आना जाना था। उतने देर में पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था, और तब तक अंत में जब लाइट आई थी तो उसको ICU में हम लोगों ने भर्ती कराए थे। ये कहाँ की घटना है? ये मेडिकल कॉलेज। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ।